फ्रेंड्स एंड माय बॉस। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट गाइस ओकला में कुछ ओकला जो स्पीड टेस्ट है उसमें जिस टाइम प्रॉब्लम है वो चीज मैंने नोटिस की है। तो इस वीडियो में आपसे ओकला के बारे में बात करूंगा कि ओकला में क्या प्रॉब्लम है और वो क्या गलत स्पीड शो कर रहा है इन दिनों। ये प्रॉब्लम कुछ लगभग 1-2 हफ्ते से है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वी आर बॉक्स और इस वी आर बॉक्स के कंट्रोलर का भी गिव अवे चल रहा है। तो अगर आप इनको जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, वो इसके लिए पर्सनली सिर्फ इसके लिए ही है वो वीडियो। आप उसमें जाएँ, उस वीडियो को देखें और गिव अवे में कैसे एंटर करना है वो उसमें बताया गया है। तो आप गिव अवे में एंटर करें और जीतने के चांसेस बनाएं, तो जरूर देखिएगा ये वीडियो। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने गिव अवे में एंटर कर लें। सो गाइस, अब आज का मेन टॉपिक ये है कि ओकला में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, अभी आपको स्क्रीन पे एक चीज़ शो हो रही होगी कि ओकला शो कर रहा है 60 Mbps, 60 MB/s। लेकिन आप अब एक और देखिए कि वो है जीरो, मेरे जियो की 0 KB बचा है उसमें। मैंने जियो का पर डे का 1 GB खत्म कर दिया है। देखिए ये 0 KB दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे वो दिखा रहा है कि अभी भी आपकी 60 Mbps स्पीड आ रही है। और अब एक और ये पिक देखिए आपकी सर्फिंग, जो सर्फ हो रहा है, मतलब जो वो मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ वो कितना स्लो हो रहा है, आप ये भी देखिए। तो वो भी आप देख सकते हैं कितना स्लो सर्च हो रहा है। तो अब बात है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कुछ जियो के साथ इसमें प्रॉब्लम है। और मैंने ये भी ट्राई किया कि इस फ़ोन में सिर्फ मैं जिस फ़ोन से ये ट्राई कर रहा हूँ मैं, उसमें उनमें सिर्फ एक ही सिम है जियो की, मैं ही उसको यूज़ ले रहा हूँ अभी, सिर्फ जियो की सिम यूज़ ले रहा हूँ। लेकिन ओकला में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जहाँ 2G 2 या 3 MB दे रहा है पर सेकेंड, उसका वो 60 Mbps दिखा रहा है। काफ़ी सारे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि एक में 53 है, अगले 55 के समथिंग है, एक में 60 अबव है, 60.3 है, 60 कुछ है MBPS। तो ये कोई पॉसिबल है कि? और अपलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है, जो जाके 4G में आती है। वो मेरा 4G खत्म हो चुका है 1 डे का 1 GB, लेकिन जब भी इतनी बढ़िया स्पीड शो कर रहा है तो वो कैसे इम्पॉसिबल है। तो इसमें जियो में कुछ प्रॉब्लम है ओकला के साथ, वो ओकला को सही करनी पड़ेगी। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ओकला को पर्सनली भी सेंड करूँगा ये वीडियो इनको बताने के लिए, और उनको अलग से एक लेटर भी शायद सेंड करूँगा या फिर ये वीडियो को उनको सेंड कर ही दूंगा और उनको बोलूँगा कि इसको चेक करें ओकला इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये बाहर कोई इस तरीके की बफरिंग नहीं है, सिर्फ इंडिया में बफरिंग हो रही है। मैंने काफ़ी सारे फोन में ट्राई किया, मैंने लाइको लाटू में भी ट्राई किया है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि पर डे 1 GB खत्म हो चुका है, फिर भी वो 50 Mbps अबव तो दिखाई दिखा रहा है, 50 Mbps तो नीचे आ ही नहीं रहा। तो ये है गाइस बात। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को देखना ना भूलें, गिव अवे वाली वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो का। और रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे उसका, रिजल्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इधर आपको लिंक रिजल्ट्स मिलेंगे उधर, उस जगह का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो यही बात थी कि ओकला में कुछ गड़बड़ है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव वन थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट समथिंग दिस वीडियो रिलेटेड, सो नो मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम गिविंग यू मोर टेक वीडियो डेली। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।